देखो भगवान के भक्त होने के पहले माता पिता का भक्त होना पड़ता है। भगवान के भक्त होने के पहले माता पिता का भक्त होना पड़ता है, और जो माता पिता का भक्त नहीं है वो भगवान का भी भक्त नहीं हो सकता है। भगवान तो कहते हैं कि जो माता पिता का सेवक नहीं है, जो माता पिता का भक्त नहीं है, जो माता पिता की सेवा नहीं करता है, जो माता पिता के सामने जोर से बोलता है, देवता तो क्या भगवान भी उसकी पूजा स्वीकार नहीं करता है। तो भगवान के भक्त होने के पहले माता पिता का भक्त होना जरूरी है। भगवान आपकी पूजा जब ही स्वीकार करेंगे, जब आप माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, माता पिता से मधुरता से बोलेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे और उनका आदर करेंगे, जब ही भगवान आपकी पूजा स्वीकार करता है साहब। नहीं तो कितने भी यज्ञ कर लो, कितनी भी कथा सुन लो, कितने भी तीर्थ कर लो, कितनी बार भी गंगा स्नान कर लो, आपका उद्धार नहीं हो सकता है साहब। अकाल के बाद है और इसको ध्यान में रखना, नित्य माता पिता को प्रणाम करना। यह भोलेनाथ भी आपका एक लोटा जल जब स्वीकार करेगा, जब आप माता पिता को प्रणाम करके घर से निकलेंगे, है ना। आप अभी तक कितने भी लोटे चढ़ा दिए हैं, सब व्यर्थ है साहब। माता पिता को पहले प्रणाम करो और उनकी आज्ञा लेकर शिव जी के मंदिर जाओगे ना, तो शिव प्रसन्न हो जाएगा, महाकाल प्रसन्न हो जाएगा, महादेव प्रसन्न हो जाएगा, और जो भी आप चाहते हैं ना सब मिलेगा आपको। तो आज से और बड़े भाग्यशाली हो साहब आप, जिनके माता पिता हैं। माता पिता से बड़ा कोई देव नहीं हो सकता है। ये जो मंदिर में भगवान बैठे हैं ना, ये भी छोटे हैं भगवान अपने माता पिता के सामने। राम भी छोटे हैं, कृष्ण भी छोटे हैं, जगदम्बा भी छोटी है, हनुमान जी महाराज भी छोटे हैं, और
जल चढ़ाने की जरूरत है, ना कोई महाकाल दर्शन की जरूरत है और ना कोई गंगा स्नान की जरूरत है। सारे तीर्थ वहां पर विद्यमान रहते हैं जहां पर माता पिता रहते हैं। हमारे यहाँ कुंडलिक नाम के माता पिता के भक्त हुए हैं। माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान उनके द्वार पर आ गए, भगवान विष्णु। उस समय वो पिता की सेवा कर रहे थे। भगवान ने कहा कि बोले मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, बाहर आया हूं, जरा दरवाजा खोल, मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूं। तो उस भक्त ने यही कहा कि बोले कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं। आज लोग माता पिता की सेवा से विमुख होते जा रहे हैं, वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। जहां पर भारतीय श्रवण की भूमि है वहां पर वृद्धाश्रम शोभा देता है। मेरे भाई बहन, मेरे को बड़ा दुख होता है, आज सबसे ज्यादा अगर कोई कष्ट है तो वो माता पिता को है। आजकल सब सोशल मीडिया में खोए हुए हैं, घर में सब मोबाइल चलाते हैं, बूढ़े मां बाप इंतजार करते रहते हैं। एक बात ध्यान रखना, अपने घर में कोई वृद्ध हो तो वृद्ध के पास जरूर बैठना साहब। तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ जाने की इच्छा हो तो वृद्ध के पास बैठ जाओ, माता पिता के पास बैठो। अपने घर में कोई वृद्ध हो तो उनके पास बैठो तो आपका तीर्थ हो जाएगा। आज वृद्ध लोग अकेले पड़ गए हैं। आज विचार करो, आपको ऐसा लगता है कि टाइम पास करना है तो आप सड़क पर आ जाते हो, अपनी दुकान पर बैठ जाते हो। टाइम पास नहीं हो रहा तो आप फेसबुक व्हाट्सएप चला लेते हो, आपका टाइम पास हो जाता है। जो वृद्ध आज पलंग पर बैठे हुए हैं उनका 24 घंटा निकालना कितना बड़ा होता होगा। घर में सब इधर उधर लगे हुए हैं तो उनके पास जरूर बैठा करो साहब, और माता पिता का आशीर्वाद मिल गया ना तो भगवान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये गारंटी के साथ में कहता हूं। बोलिए कि नारायण भगवान की माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। आज से नित्य माता पिता को प्रणाम करना। वास्तव में एक साल तक आप प्रणाम करेंगे ना, और जब अगले साल अपन मिलेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये माता पिता को प्रणाम करने का इतना फायदा है, वास्तव में चमत्कार ला दिया आपने जीवन में, बहुत चमत्कार है साहब। माता पिता का आशीर्वाद बहुत बढ़ाने वाला होता है, माता पिता का आशीर्वाद धन को बढ़ाने वाला होता है, माता पिता का आशीर्वाद ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला होता है, माता पिता का आशीर्वाद मान सम्मान को बढ़ाने वाला होता है, और माता पिता का आशीर्वाद जो है दुश्मनों का नाश करने वाला है। बाल न मां का करी सके जो जग मेरी हो, और माता पिता का आशीर्वाद जो है ना ऐश्वर्य को दिलाने वाला है। इसलिए नित्य प्रणाम करना, माता पिता माता पितरी चरण कमले भ्यो नमः, श्री पद गुरु चरण कमले भ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देव कमले महाकाल के इतने निकट, इसका फायदा क्या आपको पता ही नहीं होगा, और आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा, नहीं बताया ना। ये महाकाल मल में आता है, ये जो आपका जो क्षेत्र है, ये बामोरा गांव है, ये महाकाल मल में आता है। और महाकाल वन में रहने का इतना बड़ा फायदा है कि आप ये जगत छोड़कर जब जाओगे ना तो सब शिवलोक में ही जाओगे। महाकाल की इतनी कृपा है आपके, तो कहीं डरने की जरूरत नहीं है, केवल सत्कर्म करते रहना। ऐसा नहीं कि अपना महाकाल लोग जाओ तो कल से भिड़ी जाओ,
सत्कर्म करते रहना, आपकी सदगति तो यूं ही हो जाएगी। सदगति में आपका कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि या तो भगवान बैठे तारक मंत्र सुनाने के लिए महाकाल महाराज, और आपके सारे क्षेत्र में महाकाल की कृपा है ही, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है आपको। आज से लीडर हो जाओ, सब शिवलोक भी जाना आपने, मतलब अपने को नहीं आपको, हम तो दूर रहते हैं। और महाकाल की महाराज की इच्छा होगी तो बोला भी लेंगे, चलिए साहब। महाकाल बने हर सिद्धि पीठे ¡Gracias!
Thank you.
दो दिन बचे। किसने सहयोग किया था मालूम है आपको? वानरों ने सहयोग किया था, रीछ और बंदरों ने सहयोग किया था, गिलहरियों ने सहयोग किया था। सब जब मूल बन रहा था तो सब जैसे पत्थर जमा कर रहे थे, तो गिलहरी ने विचार किया कि अब मैं क्या करूं, पत्थर तो उठा नहीं सकती, अब क्या करें। विचार करने लगी कि मैं कैसे भगवान का सहयोग करूं, मैं भगवान की सेवा कैसे करूं। तो उसने देखा कि ये जब पत्थर जम रहे थे तो पत्थर जब जमाते हैं बीच में कुछ गे पड़े थे, तो वहां पर दूर पर जब बालू लेक पड़ी हुई थी तो पहले क्या करती, समुद्र में स्नान करती गिलहरी, और जिसके बाद बालू रेत में लौटती और वहां जाकर अपने शरीर को झंझेड़ती और वहां पर बालू रेत उसने बिखेर दी और वो जो तरस थी है ना वो उसने भर दी और भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान राम जी ने उसके हाथ मतलब शरीर पर हाथ घुमाया, आज भी देखना वो चार उंगली के निशान गिलहरी के आज भी है। तो ऐसा आपके भी सिर पर हाथ घुमा दे भगवान तो आपका उद्धार हो जाएगा। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय। तो कोई भी अवसर नहीं चुके, कल अपने गांव को इतना सुंदर बनाना है, दीपावली जैसे मनाते हैं ना उससे भी ज्यादा सुंदर गांव लगना चाहिए कि भगवान एक बार देख ले तो उनकी इच्छा हो जाए कि मैं लक्ष्मी को यहीं पर छोड़कर चला जाऊं। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की। आज ये डाली डाली है ना, डाली पत्ते पत्ते जलाना है, डाली नहीं जलाना। भाई लखनऊ सहस्र शिरेखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्र तपोमि कुं सर्वत स्वाद्यधिष्ठ दशाङ्गुलं पुरुष Thank you.